लेकिन यहाँ पर काफी सारे चमगादड़ हैं, आप देख सकते हो इधर। तो यहाँ पर फिलहाल दो चार चमगादड़ यहाँ पर बैठे और सामने भी है, तो चलते हैं आगे। हेलो दोस्तों, बहुत ही हाइट पर बैठे यार, हवा इतनी तेज चल रही है। देख दोस्तों यार, सीढ़ियाँ बहुत खतरनाक है, जरा सा भी अगर पैर फिसला तो समझो पूरे नीचे जाएंगे। अगर ये दोस्तों बाघ के खाल का कवच है जिस पर बैठकर प्रभात गिर जी अपनी तपस्या करते थे। दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। तो आपका भाई सुनील आज एक बहुत शानदार लोकेशन पर पहुंचा है, जोधपुर से, जो कि मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम बाइक से यहाँ पर चलकर आए हैं और यहाँ पर जो आपको पीछे मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर है, यहाँ पर ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। तो ये मंदिर है दोस्तों, श्री प्रभात गिर जी का मंदिर है। फिलहाल तो ताला लगा हुआ है और अभी हमें आए हुए लमसम आधा घंटा हो गया और शाम का टाइम हो रखा है, 4:30 बज रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी तक ताला लगा हुआ है क्योंकि पुजारी शाम को टाइम सेवा करते हैं ना, उस वक्त आते हैं, तो ताला लगा हुआ है। बाकी मंदिर है जो अंदर से बहुत सुंदर है दोस्तों, इतना सुंदर है, देखे अपने जो छोटे छोटे कांच के जो टुकड़े होते हैं ना, उनसे मंदिर को अंदर से बनाया गया है। तो फिर भी मैं आपको अंदर से कुछ चीज़ें जो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और जो यहाँ पर जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये चारों तरफ पहाड़ी से बना हुआ है और पहाड़ के बीचे हैं ये मंदिर है। और यहाँ पर जो सौर्य से जो वो होते हैं ना अपने जो पंखे बड़े बड़े घूमने वाले, तो इस जगह पर बहुत शानदार लग रहे हैं यार, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पर कुछ समाधि वगैरह आपको बता देता हूँ, फिर हम चलते हैं मंदिर में और आपको दिखाते हैं मंदिर। प्रभात गिर जी के जो मंदिर है, इनके बगल में एक छोटा सा तालाब है, मतलब ये बारिश के समय में तो खासा मतलब काफी इसमें पानी रहता है, लेकिन अभी मतलब इसको लमसम बारिश हुई, आपको पता ही है 9-10 महीने हो गए, लेकिन पानी अभी भी इसमें है। तो दोस्तों इसकी एक बहुत ही रोचकता है और रोचक मतलब बात है आपको बताना चाहता हूँ कि इस पानी में जो आपको ये पानी दिख रहा होगा तालाब में, एक बार देखिए अभी फिलहाल कितना पानी है, फिर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार है दोस्तों पानी, मतलब ये जो आपको दिख रहा है पानी, ये मतलब कभी इतना ही रहता है, और जो क्या चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस पानी को तोड़ने के लिए लोगों ने मतलब 10 बोरवेल के जो पाइप होते हैं ना, मोटर 10 से 15 मोटर इसके अंदर लगाया गया था, मतलब इस पानी को देखने के लिए पानी खत्म होता है या नहीं। लेकिन दोस्तों उनके इतना सब कुछ करने के बावजूद ये पानी खत्म नहीं हुआ है, और ये किस वजह से नहीं हुआ वो तो आप जानते ही हैं, क्योंकि इस पानी में मतलब एक तो ये ज्यादा गहरा भी नहीं होगा कि क्योंकि इसमें इतना पानी बचा नहीं है, बारिश नहीं हुई है, तो पानी इतना का इतना रहा। जब 10-15 मोटरें चालू कर दी गई थी, 2 दिन मतलब पानी को चलाया गया था, लेकिन पानी की जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इतना का इतना पानी बचा रहा। तो ये चीज है जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब बाहर निकलने का रास्ता है, तो चलते हैं गुफा की तरह यार, अंदर बहुत सारे चमगादड़ हैं, बहुत वैसे डर भी लग रहा है क्योंकि चमगादड़ कहीं चिपक ना जाए, तो चलते हैं हिम्मत करके चलते हैं, कभी चमगादड़ से सामना नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे चमगादड़ बैठे हैं, आप देख सकते हो इधर। तो यहाँ पर फिलहाल 2-4 चमगादड़ यहाँ पर बैठे और सामने भी है, तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये मंदिर का मुख्य प्रवेश है, जो कि एक फोर्ट की तरह यानी किले की तरह दिखता है। ये मंदिर दोस्तों काफ़ी पुराना है और इस मंदिर से काफ़ी सारे रहस्य जुड़े हैं, श्री प्रभात गिर जी के काफ़ी सारे जो चमत्कार हैं वो भी जुड़े हैं, और उनकी जो तपस्या भावना थी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल हम सबसे पहले पहाड़ी के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर एक बालाजी का मंदिर है और एक घुमटा बना हुआ है, जो कि एक पुराने समय में राजा महाराजा के फोर्ट की तरफ था ना, तो वैसा ही है, तो वहाँ पर भी हम चलते हैं। बालाजी का मंदिर यार दोस्तों काफ़ी हाइट पर बना हुआ पहाड़ी के ऊपर, चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई यार, देख सकते हो कितना ऊंचा है, वहाँ से वहाँ नीचे सीढ़ियाँ थी और यहाँ पर है मंदिर। हे बजरंगबली, वीडियो को वायरल करा देना, और जो देख रहे हैं उनसे चैनल को अपने सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करवाना। तो दोस्तों पहाड़ी के काफ़ी ऊपर चढ़ गया, लेकिन ऊपर एक और बहुत शानदार चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर तो बालाजी का दर्शन कर लिए और अभी चलते हैं ऊपर, जो बहुत शानदार चीज़ है यार,
और जो आपको यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत शानदार देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और पेड़ पौधे बहुत शानदार लग रहा है यार। जैसे यहाँ पर आने पर समझ लो कि अपना जो दिल है ना वो एकदम, दोस्तों यार सीढ़ियाँ बहुत खतरनाक है, ज़रा सा भी अगर पैर पिछला तो समझो पूरे नीचे जाएंगे गिरकर, देख सकते हो। और सीढ़ियाँ आगे कैसे, मतलब इतनी सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं है। और चलते हैं ऊपर एक बार, ये मतलब पहाड़ी के अंदर खोद कर इन सीढ़ियों को बनाया गया, बहुत ही ऊंचा यार देख सकते हो। अभी तक तो और ऊपर चलना यार, वहाँ पर जाना है। ये सीट है दोस्तों है ना, पत्थर है उनको सेट करके बनाई गई है, देख सकते हो किस प्रकार है, बहुत ही गजब यार। और ये देखिए यहाँ पर एक बहुत शानदार ये घुमका बनाया हुआ है। तो ये घुमका देखा ना, इसके अंदर से ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं और मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। पुराना सीढ़ियाँ ऊपर से ही मतलब अंदर से बनाया गया है सीढ़ियाँ, देख सकते हो किस प्रकार है। और जहाँ से हम खड़े ना ऊपर भी देख लो, यानी यहाँ से घूम कर सीढ़ियाँ चलती हैं। तो चलते हैं ऊपर यार, ऊपर देखो लकड़ी से छत बनाई गई है, यानी आपको पता है, अरे यार बहुत जख्मी है देख सकते हो, मतलब कभी भी गिर सकती है, इसके नीचे खड़े रहना रिस्क से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये पूरा लकड़ी है ना मकान बनाकर सड़ गई है। और एक चीज़ और यहाँ पर है ना, ये जो आपको पत्थर दिख रहे हैं ना, ये जो इनके पत्थर के ऊपर जैसे ऐसे पत्थर रखते हैं तो कहते हैं कि जो पूर्व जन्म होता है उसके बाद हमको बन बनाया घर मिलेगा। बहुत ही रिस्क है दोस्तों, देख सकते हो लकड़ियाँ ना पूरी तरह से सड़ गई, और ये जो छत है ना बिल्कुल मतलब ऊपर चढ़ना खतरे से खाली नहीं, मैं ऊपर नहीं जाएंगे दोस्तों, देख सकते हो ये छत है जो मतलब ऊपर जाने के लायक नहीं बची, अभी ऊपर गए तो ये पूरा गिर सकता है। यहाँ पर देखिए मतलब लकड़ी से बनाया गया पूरा छत, तो मैं ऊपर नहीं ले जा सकता क्योंकि ऊपर जाएंगे तो खड़े रहने की जगह भी नहीं और ये लकड़ी गिर भी सकती है। यहाँ पर पवन चक्कियाँ ना वो भी वापस आ गई है, अभी देखना पूरा का पूरा मंदिर हेलो दोस्तों, बहुत ही हाइट पर बैठे यार, हवा इतनी तेज़ चल रही है देख सकते हो, मेरे बाल हवा के अंदर जैसे बाइक पर चल रहे हैं ना उतनी ही हवा तेज़ चल रही है। वैसे ना वहाँ पर सामने पवन चक्कियाँ लगी हुई है देख सकते हो, मतलब ये आपको पता है कि पवन चक्कियाँ ना कहाँ पर लगाई जाती है, जैसे जहाँ पर ज़्यादा हवा होती है ना हवा का प्रेशर उसी जगह पर ये पवन चक्कियाँ लगाई जाती है। तो मैं इस घूमके के भीतर बैठा हूँ देख सकते हो, और बहुत ही ज़बरदस्त हवा आ रही है। पहले आए तब तो बहुत धूप थी, लेकिन यहाँ पर अभी मौसम है ना ठंडा हो चुका, बादल वगैरह आ गए देख लो, तो इसकी वजह से बहुत हवा आ रही है साहब। और यहाँ से ना ऊंचा कितना है देख लो आप, यहाँ पर मैं बैठा हूँ कितना, दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और बहुत ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। वापस चलते हैं अभी नीचे की तरफ, वहाँ पर और कुछ चीज़ें हैं तो मैं आपको बताता हूँ, तो वहाँ पर चलते हैं वापस नीचे, और कुछ अच्छी चीज़ें होंगी तो हम देखेंगे वहाँ पर भी।
तो दोस्तों आना पहाड़ से हम वापस नीचे आ गए यार, काफ़ी सारा टाइम भी लगा था क्योंकि पहाड़ पर है ना वो सीढ़ियाँ बहुत थी यार, कमज़ोर सीढ़ियाँ और रिस्क भरी सीढ़ियाँ थी। और यहाँ पर देख सकते हो आप, ये मैन मंदिर के अंदर हम पहुँच चुके हैं अभी, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर कुछ छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहाँ पर शायद पूजा होती थी, और आज भी होती है वैसे तो, लेकिन उस समय भी पूजा होती थी। देख सकते हो देवी माँ का मंदिर बना हुआ है, और यहाँ पर है ना ये सामने शिवलिंग लगा हुआ है, और वहाँ पीछे जो देवी माँ का मंदिर है, और इसके दोनों मतलब गेट के दोनों तरफ छोटे छोटे मंदिर और बनाए गए हैं। तो एक बार चलते हैं उस तरफ दोस्तों, दिखाते हैं। जैसे ये काफ़ी सारे यहाँ वैसे तो कक्ष पड़े हैं, और कुछ जो कक्ष हैं उनको बंद कर दिया गया है। मंदिर मतलब दोस्तों एक फोर्ट की तरह ही दिखाई देता है, ये देख सकते हो। यानी उस समय की कुछ चीज़ें हैं जो पर यानी ये चूल्हे वगैरह जो ये हमारे जो परंपरागत होते हैं ना, मतलब गोबर से लीप कर बनाए गए हैं। और देख सकते हो ये मतलब ये दियासलाई जिसको लालटेन कहते हैं ना, और कुछ रूम जो पुराने हैं उनको बंद कर दिया गया। अभी कहा जाता है दोस्तों कि ये जो आपने मिर्जा खान के बारे में सुना होगा, उनका शासक यहीं पर था, मिर्जा खान मतलब यहीं पर उनका फोर्ट था। तो जो अपने जो सिकमराज थे ना, तो उन्होंने मतलब अपनी एक शक्ति के चलते मतलब उसको किले को जो ध्वस्त कर दिया था। अभी देख सकते हो ये जो पूरा टंकी है ना दोस्तों, ये एक पानी का टंकी है, और इसको है ना पत्थर से बनाया गया है। इनकी काफ़ी सारी मतलब पुरानी ये टेक्नोलॉजी थी, अभी तो लो अपने जो प्लास्टिक वाली जो आ गई है 500 लीटर का, जो हम अपने बाथरूम या फिर पानी पीने के लिए रखते हैं ना, वैसा का वैसा एक टंकी है जो इसको पत्थर से बनाया गया है। अब देख सकते हो आपकी इसकी कितनी कलाकारी और कारीगरी थी। तो एक बार चलते हैं अंदर दोस्तों, यहाँ पर जो ये रूम है ना, यहाँ पर दोस्तों हैं जो छोटे छोटे काफ़ी सारे कक्ष बनाए गए। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ना पत्थर वाले, ये बड़े बड़े, ये काफ़ी सारे कक्ष बनाए गए हैं। पता नहीं इसके अंदर उसमें क्या रखते थे। यहाँ पर एक सामने रूम है, यहाँ पर अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता अंदर। तो वैसे तो ये रूम दोस्तों पूरा का पूरा खाली पड़ा है, कुछ नहीं है इसके अंदर, मतलब खाली है, लेकिन कुछ समय में इसको भी काम में लिया जाता था। और इस तरफ है ना काफ़ी सारे मटके वगैरह कुछ और भी चीज़ें पड़ी। ये जो कक्ष है ना इसमें देखते हैं, इसके अंदर तो फिलहाल तो कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ समय पहले कुछ हो सकता है किसके लिए काम लिए जाते थे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे देख सकते हो सामने पूरे मतलब आगे की तरफ बने हुए हैं, ये देख सकते हो। इसके अंदर भी शायद कुछ ऐसी कोई मतलब वस्तुएं रखी गई है, अपन जानते नहीं। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा ना, ये क्या चीज़ है, मैं आपको इसके नज़दीक लेकर चलता हूँ एक बार। ये देख सकते हो यार, इसी तरफ एक पत्थर का और छोटा सा टंकी पड़ा, और ये जो ड्रम्स है ना इसको शायद मेरे हिसाब से जो मिर्ची वगैरह कुछ ऐसे अनाज वगैरह कूटने में काम लिया जाता है। ये देखो यार चरू, जैसे मतलब किसी को रेसे में जो चरू मिलते हैं ना सोना चांदी से भरे हुए, उसी के तरह ये चरू है। मतलब ये पानी या फिर किसी चीज़ में काम लिया जाता, खाने पीने या फिर पानी बर्तन के रूप में काम लिया जाता था। इसके अंदर है ना दोस्तों जैसे कोई सोना चांदी रख कर इसको गढ़ा कर ऐसे रखते थे ना, तो वैसे के वैसे ये चरू है दोस्तों। इसका वजन कितना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। इस तरफ देख सकते हो एक और पड़ा है, लगभग 4-5 चरू पड़े हैं, और कोने में अभी की जो मटकियां हैं, और ये जो लोहे का मतलब बड़ा और बर्तन है। इस तरफ गेट लगा हुआ है, अंदर देखते हैं, गेट तो अंदर से शायद उसकी तरफ से लॉक किया गया है दोस्तों, खुल नहीं रहा है, लॉक किया गया, पता नहीं कुछ चीज़ें रखी होगी इसलिए लॉक किया गया है इस गेट को, ये नहीं खुलेगा यार। चलो छोड़ते हैं और वापस उस चरू की तरफ इनकी तरफ देखते हैं कितना वजन है, एक बार उठा कर बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों इसका वेट ना अपने लमसम 25-30 केजी इसका वेट है, जो ये बड़े वाला जो चरू है ना इसका काफ़ी सारा वेट है मेरे हिसाब से। मैंने जब इसको मतलब ऊंचाने की जब कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ था 25-35 किलो का शायद होगा ये। और ये मंदिर का ऊपर का पूरा व्यू है, देख सकते हो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ये एक फोर्ट है। अब इसके बारे में काफ़ी सारे रहस्य मतलब जुड़े पड़े हैं यार। अभी चलते हैं फिलहाल हम जो प्रभात गिरिजी के मंदिर की तरफ।
ये दोस्तों मंदिर है और ये उनका आसन है। और यहाँ पर है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो आपको सामने जो खाल दिखाई दे रहा है ना, ये चमड़ी जो एक शेर का चमड़ी है जिस पर बैठकर वो अपनी तपस्या किया करते थे। और उनका कुछ फ़ोटो वगैरह भी लगा हुआ और इसको आज भी मतलब ऐसे सुरक्षित रखा गया है आने जाने वाले काफ़ी सारे लोगों को देखने के लिए। शेर का जो खाल है दोस्तों, इन पर बैठकर वो अपना आसन ध्यान करा करते थे। इस तरफ भी लगा हुआ एक बाघ का, जिसको है ना अभी इस किसी कपड़े के ऊपर सिलाई करके रखा गया है। ये है जो दोस्तों संत प्रभात गिरिजी महाराज का प्रतिमा फोटो वगैरह लगा हुआ, और देख सकते हो ये बाघ का पूरा खाल है। और वहाँ पर भी कुछ छोटे मोटे कुछ चीज़ें मंदिर और उनकी चीज़ है जो सामग्री रखी गई है। मंदिर का ऊपर का व्यू देख सकते हो आप कैसा है, पिंक कलर से इसको पेंट किया गया है। यहाँ पर भी कुछ मतलब फोटो वगैरह लगी गई है, तो वहाँ पर मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ जैसे उस समय की, या फिर मंदिर के उद्घाटन या फिर उससे कुछ रिलेटेड कुछ फोटो लगी गई हैं, ये देख सकते हो आप। जो कि इन फोटो को देखते हुए हमें लगता है कि जब इतना सही कैमरे वगैरह का इतना टेक्नोलॉजी जमाना नहीं था, तब की जो वाइट ब्लैक कलर की फ़ोटो है ना वही लगी गई है। और ये देख सकते हो यार, पूरा का पूरा ना ये जो अपने वाहक का खाल वो यहाँ पर रखा गया, इसी के जो ऊपर है ना वो बैठकर अपनी तपस्या करते थे। ये जो सामने से चेहरा है बाघ का, मतलब पूरा का पूरा इसका मतलब है जो रखा गया है यहाँ पर। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ना और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।